मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नाबालिग लड़की के साथ दो लोगों ने दिन दहाड़े दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर लड़की से दुष्कर्म किया। घटना उस समय हुई है जब युवती अपने एक दोस्त के साथ खाड़ी वाले इलाके में घूमने गई थी। विष्णु नगर थाने ने इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज किया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें भी गठित की गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाने से सटे डोंबिवली के ठाकुरली खाड़ी किनारे इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पुलिस होने का दावा कर रहे दो लोगों ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया है। शुक्रवार की दोपहर में करीब पीड़िता अपने एक साथी के साथ ठाकुरली खाड़ी के बीच इलाके में घूमने गई थी और जब वे दोनों टहल रहे थे तभी दो व्यक्ति वहां आते हैं और दोनों ने युवती और उसके दोस्त को बताया कि वो पुलिस वाले हैं। आप यहां आए हो इसके बारे में आपके माता पिता को वो बता देंगे और नाबालिग लड़की से ये डराते हुए दोनों ने जो है बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। हालांकि घर पहुंचने के बाद लड़की ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और उसके बाद पीड़ित परिवार जो है डोंबिवली के विष्णु नगर थाने पहुंचा और इस मामले में विष्णु नगर थाने में 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल विष्णु नगर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जो है टीमें गठित कर दी हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंडरीनाथ भालेराव ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। कल 12 बजे एक लड़का और लड़की ठाकुरली वेस्ट एक सुनसान एरिया है वो जगह पे गए थे घूमने के लिए। उधर बैठे थे और दो अननोन इसम आया उधर और उसने पुलिस बताया, हम आए साहब को घर वाले को बताया ये करेंगे वो करेंगे बता के उन्होंने उसके साथ गलत काम किया। बाद में वो निकल गए, बाद में वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए आया। वो हिसाब से उनके ऊपर 376 डाउन हुए और पॉक्सो के अंदर गुना दाखिल किया है, तपास चालू है।